नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो खबर आपको बताने वाला हूँ वो वाकई में गर्वपूर्ण है और आपको प्रसन्न करने वाली है, क्योंकि आज पूरी दुनिया के सभी देशों ने भारत का लोहा माना है और सभी देश ये मान चुके हैं कि अगर हमें आगे जाना है, हमें आगे बढ़ना है तो भारत का साथ जरूरी है और हमें भारत का साथ लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस खबर की पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और इसे गौर से सुनिए। मैं हूँ आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्मा न्यूज। दरअसल G20 सम्मेलन बाली में हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर छाए हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनसे खुद मिलने आए और फिर एक साथ ठहाके लगाए, जहां यह भारत की अहमियत को दिखाता है। इतना ही नहीं, जब मोदी बोले तो विकासशील देशों की हैकड़ी निकाल दी। उन्होंने कहा अगर दुनिया को विकास करना है तो उनको भारत को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि भारत वो देश है जिसके पास कला है, आइडिया है, विशालता है, कर्मठता है और ईमानदारी है। कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे कोरोना से जब पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी, तब भारत ने अपने नागरिकों को जितनी मुफ्त वैक्सीन लगाई वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की कुल आबादी की 2.5 गुना है। अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने के साथ साथ हमने पूरी दुनिया के कई देशों की मदद की है, जिसे जरूरत थी वैक्सीन पहुँचाई, वह भी बिना कोई शर्त के। संकट के समय ऐसा परोपकार कोई और नहीं कर सकता, यह भारत की सदस्यता है। अगर सुख में साथी हैं तो हम दुख में भी उतने ही साथी हैं। हम सुख दुख में एक दूसरे के सुख दुख को बांटने वाले लोग हैं। जब 2018 में इंडोनेशिया में इतना बड़ा भूकंप आया, भारत ने तुरंत ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। और उन्होंने कहा यही नहीं, अमेरिका की जितनी आबादी है उतने तो हमारे भारत में हमने बैंक अकाउंट खोल रखे हैं। भारत की आबादी की विशालता का दुनिया के सामने इस तरह का सदुपयोग पहली बार हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे बयान कभी कभी सुनने को मिलते हैं और जब सुनाई देते हैं तो दुनिया के सामने अपना मस्तक और ऊंचा हो जाता है। और मोदी जी ने यह कहकर भी भारत की निष्पक्षता दोहराई है कि रूस यूक्रेन युद्ध हर हाल में रुकना चाहिए। कोरोना काल के बाद इस युद्ध ने दुनिया भर की सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। दुनिया के लिए यह समय युद्ध का नहीं बल्कि बातचीत का है। रूस और यूक्रेन को भी बातचीत ही करनी चाहिए। दरअसल एस जयशंकर जब से भारतीय विदेश मंत्री बने हैं तो धीरे धीरे हमारी विदेश नीति में पॉजिटिव एग्रेशन आया है। चूंकि वे विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, इसलिए विदेश नीति पर लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज भारत को हर मोर्चे पर, हर मंच पर वाहवाही मिल रही है। हालांकि दुनिया में कई मुद्दे होते हैं जिन पर हर देश का अलग अलग मत हो सकता है, क्योंकि हर देश की विदेश नीति अलग होती है और उसको उसी हिसाब से चलना होता है। लेकिन भारत को अब कोई शक्तिशाली देश इग्नोर करके नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे पास विशाल आबादी, विशाल बाजार के साथ गुणवत्ता भी हमारा सबसे बड़ा आधार है, जिसकी आज हर देश को जरूरत है। भारत इसलिए बड़ा है, भारत इसलिए झुकने वालों में से नहीं है। सिर उठाकर खड़ा होने के सारे गुण भारत में हैं, फिर सामने अमेरिका हो या फिर कोई और, डर किसे कहते हैं हम जानते ही नहीं और जानना चाहेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, मुझे तो पता है कि आपको मेरी हर वीडियो अच्छी लगती है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप इतिहास के किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले हमारी इस वीडियो को देख पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।